गुड मॉर्निंग इंडिया। आज वुमेन डे 8 मार्च है और हम शुरुआत कर रहे हैं वुमेन डे के साथ। इस वुमेन डे पर मैं आपके साथ एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहता हूं और वो किस्सा जुड़ा होगा एक पोएम से, एक पोएट्री से। लेकिन उससे पहले का किस्सा सुनते हैं। उसमें एक लड़का होता है जो अपने पेरेंट को घुमाने लेके जाता है बाहर टूर पर। वो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माँ बाप के लिए फ़्लाइट बुक करता है दिल्ली से अहमदाबाद के लिए। वो पूरा दिन खूब घूमते हैं, खूब मौज मस्ती करते हैं। उसके दिमाग में एक बात होती है कि मैं अपने पेरेंट को घुमा रहा हूँ या मैं इन्हें खुशी दे रहा हूँ। लेकिन असल बात उसे मालूम नहीं होती है कि जिस वुमेन डे को हम बना रहे होते हैं, वुमेन, वो माँ कितनी ख़ास होती है। जब वो अपनी वापसी की फ़्लाइट पर थे तो वो एयरपोर्ट पर पूरा एक घंटा लेट पहुंचे थे। फ़्लाइट छूटने में सिर्फ 10 मिनट थे और ये पॉसिबल भी नहीं था कि फ़्लाइट को मिस भी किया जाए या अलाउ भी किया जाए। लेकिन जैसे ही वहाँ के कर्मचारी ने उस बच्चे की माँ को देखकर उन्हें फ़्लाइट अलाउ की और प्लेन को वॉकी टॉकी से रोका, तो उस बच्चे के मन में आया कि फेमिनिज्म की बात करना एक अलग चीज़ है और उसे पूरी रिस्पेक्ट देना एक बहुत ही शानदार चीज़। यहीं से उसने तय कर लिया कि फेमिनिज्म होना मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। वो बच्चा मैं ही था, अरुण चाहर पृथ्वीबाला। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं आपके साथ एक पोइम शेयर करूँगा जो बहुत टाइम पहले लिखी थी। लेकिन इस घटना के बाद लगा कि ऐसी हर पोइम जो वुमेन से जुड़ी हो, जो उनके रिस्पेक्ट के लिए ज़रूरी हो, वो मैं शेयर करूँगा। इसे लिखा बहुत टाइम पहले गया था, लेकिन शेयर कर रहा हूँ मैं आज के ख़ास दिन। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगी। इस पोइम की ख़ास बात यह है कि आपको जो पीछे पेंटिंग दिखाई दे रही है, ये मैंने ही बनाई है और जो शब्द लिखे हैं वो भी इससे बिल्कुल अटैच होते हैं। जब आप इसे सुनोगे तो पोइम को देखकर उससे अटैच रहिएगा। एक एक सीन, एक एक शब्द आपस में मैच होते हैं। शुरुआत करते हैं इस पोइम की। वो पीपल की काया की शीतल सी छाया, इस शीतलता में विस्मृतियों को पाना चाहूँ, खोता जाऊँ, ऐसा क्यों हुआ, मैं बड़ा क्यों हुआ। माँ की गोद में सोकर हर ते गीत सुनना चाहूँ, उसके श्वेत श्याम केसों की चोटी बुनना चाहूँ। सुन ना पाऊँ, बुन ना पाऊँ, कान बहरे हुए कर ठहरे हुए, ऐसा क्यों हुआ, मैं बड़ा क्यों हुआ। वो माँ के हाथ का खाना, वो डांटते ललकारते रगड़ कर नहलाना, याद आए तो मन रोना चाहे खुशी से, सोना चाहे आंचल तले। रो ना पाए, सो ना पाए, कपोल रित गए, पलकें ठहर गई, ऐसा क्यों हुआ, मैं बड़ा क्यों हुआ। खेतों की ठंडी सरसराहट से खेलना चाहूँ, प्यारे मोती के लिए टिकड़ियाँ बेलना चाहूँ, खेल ना पाऊँ, बेल ना पाऊँ, सरसराहट बंद हुई, आँच कम हुई, ऐसा क्यों हुआ, मैं बड़ा क्यों हुआ। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।